देखा था अभी उनके पास वो एक ट्राइपॉड करके एक कैमरा है, मैं उनके साथ वो देखा था मैंने आपको। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, और धूप देख ही रहे हो कैसी हो रही है। तो गाइस हम जा रहे हैं आज एक्वा पार्क, जो है कुवे सिटी के पास है, जो कुवे टावर है यहाँ पे। और धूप तो हो रही है भाई बहुत तेज, चलते हैं। पर शायद ही अगर मुझे लगता है शायद ओपन होगा, क्योंकि हमने गूगल में चेक करा था तो आज के लिए दिखा रहा था फर्स्ट डे ओनली फॉर द लेडीज़, फ्राइडे और बाकी दिन सबके लिए है, फैमिली के लिए अवेलेबल है। तो अगर आज ओपन होगा तो भाई चलते हैं, क्योंकि हम तो आ रखे पूरे प्लान के साथ। अगर ओपन रहेगा तो जाएंगे भाई, ऑफकोर्स हम लोग तैयार हो के आ रखे हैं, क्योंकि ऑफ भी है और ऊपर से गर्मी देख ही रहे हो कितनी तगड़ी है भाई यहाँ पे। तो बाकी देखो सामने, एक मिनट, अच्छा बड़ा सा शिप है, एक डंडे में टंग, मतलब मीन्स जो ये है लकड़ियों पर एकदम से स्टैंड कर रखा है इसको ना। पीछे मेरे जो है स्टेडियम है बच्चों के लिए, प्लेग्राउंड वगैरह के, और यह है रोड, अरेबियन गल्फ रोड, जिसके जो मतलब अरे जो ये कुवैत टावर है, ये है अरेबियन गल्फ रोड के पास। तो सामने जो है कुवैत टावर और हम हैं अरेबियन गल्फ रोड के पास। मुझे ये रोड क्रॉस करनी है सामने, फिर इसके बाद जाएंगे हम लोग एक्वा पार्क पे। बहुत दिन से परेशान कर रही थी, आज कैमरे की आँखें निकाली ली, अब इनको फेंकना पड़ेगा, बेकार ही लगाया भाई इनको। बाकी वो है कुवैत टावर, फाइनली भाई साहब पहुंच गए, ये है कुवैत टावर। और बाकी देखो भाई सी साइड पे पूरा देख रहे हो, मैं दिखाता तुम्हें, ये देखो भाई लोग यहाँ पे बंदे लोग अपना अड्डा जमा के बैठे हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पूरा समंदर में मज़े ले रहे हैं। वैसे तो भाई लोग ये है रूम के बहुत पास, ज़्यादा भी पास नहीं है, पर आज ऐसा लगा कि पता नहीं कितना ऐसा लग रहा है बहुत दूर है भाई। यह है TGI फ्राइडे, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, और फिश मार्केट है अंदर भाई साहब। और इसी के पीछे जो मैंने मैकडी का ब्लॉग बनाया था, जो यहाँ का कुवैत का सबसे बड़ा मैकडी है, यहाँ पे सबसे बड़ा पूरा कुवैत में सबसे बड़ा मैकडी यही है कुवैत टावर के नीचे गाइस, वो मैकडी जो कुवैत का सबसे बड़ा है। और भाई थक चुके भाई, चलते चलते फाइनली पहुँच गए, ये देखो कुवैत टावर, ये रहा कुवैत टावर भाई, और इसी के नीचे है जहाँ हम चल रहे हैं एक्वा पार्क। बाकी देखते हैं कितना दूर है भाई, अभी ये देख रहे हो सामने, ये है जनरल सेफ्टी गाइडलाइंस जो यहाँ की है। बाकी यहाँ से ले रहा हूँ टिकट वगैरह, गाइस फाइनली आ गए इधर, यहाँ पे है 6 किलो की टिकट, ये अभी हम टिकट ले रहे हैं। ये बंदा है हमारा, मशीन चला रहा है, पिन 0079। कितने का? 1500। 6 किलो 1500 इंडिया का है। ये दादा भाई जिसका इंतज़ार था, पूरा वाटर पार्क एक्वा पार्क। अरे यहाँ पे है लॉकर की चाबी लेने गया है गाइस, पबजी जूस किसी को पीना हो तो पबजी पी लेना। बाकी ये देखो, ये रहा भाई इसी चीज़ के दे रखे 6 गेड़ी गाइस, ये लॉकर है, और ये लॉकर ही 2 गेड़ी का, जिसमें से सामान रखना है थोड़ा सा वॉलेट के लिए। 2 गेड़ी मीन्स इंडिया के 500 रुपये। गाइस पैदल पद यात्रा चल रही है पानी के अंदर, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर, गर्मी बहुत हो रही है भाई, अगर ये पानी नहीं मिलता तो चला ही नहीं आता ये भाई, इतना गर्म है ना, ये इतना गर्म है भाई चला नहीं जा रहा। ओ भाई साहब इसमें सही है यार, चैन तो है कम से कम, चैन तो है इसमें कम से कम पानी में। ये भैया ट्यूब बना रखे इधर, हाँ अबे ये साला लात मार के चला गया अबे यार ये पागल इंसान है क्या, उसका देखो बच्चे को भाई जबरदस्ती ले।
सॉरी गाइस, अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो भाई पानी के अंदर पूरा फोन चला गया। आपकी आवाज से बन रही होगी, आवाज बन रही होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं भाई। बाकी ये देखो, ये भाई लोग जो बैठे हुए हैं ना बचाने के लिए, ये बंदा डूब गया, उनके एयरफोन लगे हुए हैं, उनको आवाज ही नहीं घुस रही। गाइस काफी टाइम मजे लेने के बाद अब जा रहे रूम पे, कान नाक रूम पे नहीं जा रहे, मतलब आगे जा रहे हैं, ये जो सामने है ना उस पे जा रहे हैं। चल भाई, पूरा पानी घुस गया यार फोन पे, खराब ना हो, वैसे तो गारंटी है भैया, बहुत नाच लिए यार इस पानी में। चल भाई अब आगे, ये देखो सामने। गाइस चिल मूड, सामने कोई टावर, तो टावर के नीचे हम थक चुके यार भाई, बोर हो गए अब, उस बार दूसरे वाले में चलेंगे भाई, इसमें बोर हो गए यार। ये ऐसा लग रहा है जैसे आप पता है कैसा लग रहा है, जैसे नाली नहीं होती, नाली का पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वैसे ही लग रहा है। हाँ वही जा रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट कर रहा था वहीं आ गए। ये बंदा तो भाई साहब लाइफ गार्ड है, पर अगर किसी बंदे को हो जाए तो मेरे को लग रहा है ये एयरफोन हटाए बिना तो सुनेगा नहीं। चल यार भाई अब बहुत हो गया। ये रहा जी अपना लंच, फ्रेंच फ्राइज विद बर्गर। चलो भाई खा के मिलते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। गाइस बहुत तेज भूख लग गई, सुबह खाया था सैलेड, अब खा रहे हैं बर्गर। नीचे जाएंगे, काफी बंदे चले गए यहाँ से, ये देखो तुम इसके ऊपर आ रखा भाई, ये पूरा जो बना रखा है यहाँ पे, अभी नीचे से दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। सर पप, यहाँ से जाएंगे हम ऊपर। चल भाई देखो मैं तो भाई से भाई इसमें इतनी आवाज़ें आ रही है ना, डर लग रहा है कोई कहीं से आ ना जाए। फाइनली बाहर आ गए भाई, कितना साउंड आ रहा है ना इसमें। किधर है भाई पानी, भाई अभी मैं तुम्हें राइड दिखाता हूँ कैसे चल रही है यहाँ पे। ये देखो गाइस ये रहा पानी, अब देखो यहाँ कैसे जाएंगे हम इसमें। ये सही है, आजा 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 भाई, जब ये पानी ऐसे जा रहा देखो, ओए ओए ओए
गाइस वेव से स्टार्ट हो गई, देखो एकदम पानी पानी हिल रहा है, देखो ओए होए भाई साहब। ये देखो भाई पूरा पानी हिल रहा है, देख रहे हो। तो गाइस अभी मुझे यहाँ पे मिला है MF के भाई, जो कुवैत का कुवैत में इंडियन का सबसे नंबर वन ब्लॉगर है। और वो रे सामने, मैं भी दिखाता आपको। एक भाई है ना जो आपके साथ जाते रहते हैं, कलीम भाई शायद वो भी आए हैं यहाँ पे। नहीं वो आगे चले गए। अच्छा जी। मैंने उनको देखा था अभी, उनके पास वो एक ट्राइपॉड करके एक कैमरा है। हाँ, मैं उनके साथ वो देखा था मैंने, आपको आपका वीडियो और उनका। तो आपका तो मैंने बहुत वीडियो देखा, जो आप मुंबई गए थे, आपका कोई फ्रेंड था जो मसाले वगैरह कुछ बनाते हैं। फिर आपने कोई अभी यूपी में मतलब कहीं पर आपने अपनी कंपनी खोली है, तो मतलब मैं सारा वीडियो देखता रहता हूँ। मैं जब मैं कुवैत आया तब से, नवंबर से भी 6-7 मंथ हुए हैं। अभी ज़्यादा नहीं है, 400 समथिंग, सॉरी 100 समथिंग है। बढ़ेंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे। वही बस भाई, ये है MF के भाई और इनके साथ ब्लॉग बना रहे हैं भाई। तो गाइस हम जिसे देखते थे MF के कुवैत में, जिनका ब्लॉग हम देखा करते थे भाई, वो सामने मिले आज मेरे को। तो पहले मैं पहचान नहीं पाया, फिर मेरे को लगा भाई MF के। मैंने जैसे बोला भाई, बोलते अच्छा मेरे को जानते हैं भाई, मैंने हाँ यार भाई वो रहे सामने। तो भाई ने बोला अच्छा ऐसा है, मैंने ठीक है भाई। फिर भाई को मेरे भाई फ़ोन में बैटरी नहीं बची यार, 6% बची है, कसम से गलती कर दी। वो भाई अभी आया भाई, उसको भाई को आए हुए अभी 3-4 घंटे हुए हैं, सॉरी 3-4 घंटे तो हमें हुए हैं यार, वो भाई को आए हुए अभी 5-10 मिनट हुए हैं। तो मैं और भाई ने बोला भी मेरे को भाई मेरे साथ ब्लॉग बना ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और भाई ने बोला मेरे को, वैसे काफ़ी बंदे होते हैं भाई मना कर देते हैं भाई ब्लॉग मत बनाओ, ये मत करो। तो भाई ने खुद बोला भाई बनाना, मेरे साथ बना ले कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर वही है ना भाई, मैं थोड़ा आई एम फीलिंग शाय ब्रो, हमारे साथ ठीक है यार, वो बंदे के साथ थोड़ा। तो गाइस भाई सामने हमारे MF के जी हैं और हम इधर बैठे हुए हैं, बाकी फ़ोन की बैटरी बची है 2%, तो इसलिए इससे ज़्यादा तो ब्लॉग चालू कर नहीं सकते। पूरे फ़ोन में पानी घुस गया, उसका तो चलो कोई टेंशन नहीं है, अब इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना सकते भाई। थैंक यू, बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, बाय बाय।